अरे वाह, ये देखो दोस्तों, ये बुलबुला तो हवा में उड़ रहा है। ये बुलबुले हवा से हल्के हैं, तभी तो इतना ऊपर जा रहे हैं। देखो मेरा तो कितना ऊपर चला गया। इतना खेलने के बाद तो अब मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ चलो पानी पीकर दोबारा खेले। ये क्या, इस ग्लास में पानी क्यों नहीं आ रहा है? अरे चुटकी, ग्लास को टेढ़ा करो टेढ़ा, तभी तो पानी भर पाओगी ग्लास में। ओ अच्छा, पर ऐसा क्यों गप्पी? मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो मेरे हाथ में है ये खाली ग्लास, अब मैं इसके अंदर डालूंगा एक कागज और फिर ये ग्लास ऐसे सीधे पानी के अंदर और अब ये बाहर। अब देखना जादू। अरे वाह, कागज गीला ही नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि मैंने इस ग्लास की हवा को ही रोक दिया। अब समझी, ऐसे टेढ़ा करके डालो तो ग्लास के अंदर का कागज गीला। अरे ये क्या, लाइट चली गई? बच्चों घबराओ नहीं, मैं ले आई हूँ ये मोमबत्ती। लाइट आ गई, मैं बजाऊंगी ये मोमबत्ती। नहीं चुटकी, ऐसे नहीं। अच्छा बच्चों, क्या तुम इस मोमबत्ती को बिना फूंक मारे बुझा सकते हो? वो कैसे? मैं इस मोमबत्ती के ऊपर ग्लास को इस तरह रखूंगी और फिर देखना कमाल। अरे वाह, मोमबत्ती बुझ गई। ये कैसे किया आपने रोमांटी? बच्चों ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लास की वजह से मोमबत्ती को हवा नहीं मिली और इसीलिए वो बुझ गई। हम समझ गए रोमांटी। दोस्तों हमें तो बहुत मजा आया हवा से जुड़ी इन बातों को जानकर। आप भी सोचिए आपके आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके लिए हवा बहुत जरूरी है। और हाँ, इस बारे में अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बताना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।